तो कल हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था? मिरर फार्मूला हो गया था, कॉन्वेक्स वाले का वो इमेज फॉर्मेशन का मेथड देख लिए थे कि नहीं? आया था कॉन्वेक्स का? या मैं इमेज बना दूं, तुम लोग ड्राइव कर लोगे? बना दे हम? ठीक, मिरर फार्मूला हम लोग कर रहे थे दोस्त। फार्मूला दोनों का सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, बस पिक्चर दोनों की अलग अलग हैं। मिरर फार्मूला क्या है भैया? वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन क्या है? यू है। यही पढ़ा था ना, कल ही तो डराइव किए अभी। तो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। कॉन्वेक्स कॉनकेव का हो गया था, कॉन्वेक्स वाले का मैं बना देता हूँ, आप लोग इसको डराइव कर लेना, सेम फार्मूला यही आएगा। ठीक है, कर लेंगे ना आकृति? हाँ आपने कर लिया है, ठीक है प्रैक्टिस कर लो, आ जाए बढ़िया से। तुम लोगों के लिए देखो भाई, कॉन्वेक्स का मैं बना दे रहा हूं। अब ये वाला पॉलिश सरफेस करोगे तुम, ठीक है? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है? लाइट रे यहाँ से जाएगी, क्योंकि सरफेस क्या होता है, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है? दूसरे भाई लाइट रे क्या होगी, जाएगी यहीं से, और ये जहाँ टकराएगी वहीं से बाउंस पास होगा, लेकिन कहाँ से पास होगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। कहाँ से पास होगी? ये वाली फोकस हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा कौन सा है? फोकस का है, ये फोकस है, ये कौन सा है तुम्हारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ ये देख लो, इमेज ये बनेगा, ये है इमेज। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए ए बी है, तो ये इमेज हो जाएगी हमारी क्या? ए ए डैश बी डैश लिख लेंगे, ए डैश बी डैश। ठीक है दोस्त, ए डैश बी डैश, समझ गए? अब दो दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं देख लेना, एक बार ये ट्रायंगल ले लेना तुम अपना, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करना है तुम्हें। कहाँ पर ड्रॉ करना है? ऐसे, ये यहाँ से ड्रॉ कर लोगे? ए बी इसी को पॉइंट डी मान लो तुम, ये वाला पॉइंट तुम क्या मान लो? एम मान लो। ये तुम्हारा क्या होता है? पोल होता है। सेम वही प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट। कहाँ कहाँ कौन सा डिस्टेंस है ये देख लो, लिख लो फटाफट। अब ये ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो माइनस के यू होगी, समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो डिस्टेंस उधर लेंगे वो पॉजिटिव होंगी, समझ में आ रही ना बात हमारी? उस साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पोल से इसके बीच की डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ होगी, फोकस के बीच की डिस्टेंस है ना, और ये इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? वी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी? आर होगी, समझ में? इधर की सारी डिस्टेंस क्या होंगी? पॉजिटिव। इधर की सारी डिस्टेंस नेगेटिव। हमने कहा था ना साइन कन्वेंशन, मिरर के लेफ्ट में सब पॉजिटिव, मिरर के राइट में सब, मिरर के लेफ्ट में सब नेगेटिव, मिरर के राइट में सब पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब क्या होगा? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस नीचे सब क्या होगा? समझे? सेम फॉर्मूला आएगा, बस ये कॉन्वेक्स का हमने बना दिया। ये कॉन्वेक्स मिरर का है, किसका है? ठीक है ना, कर लोगे? तो पहले ये वाला बड़ा वाला लेना, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना, ये वाला छोटा वाला है ना। फिर क्या करना तुम, कौन कौन से ट्रायंगल्स लोगे? ये और ये छोटा वाला ले लेना, कर लोगे? अरे पहले ये बड़ा वाला लोगे, इधर का भी बड़ा वाला ले लो, ले लोगे ना बड़ा वाला? ये जो बड़ा दिख रहा है तुम्हें दिख जाएगा। फिर क्या करोगे? इधर का ये छोटा वाला ले लो, और इधर भी ये छोटा ले लो, ये छोटा ले लो और ये छोटा ले लो, ये छोटा और ये वाला भी छोटा, बन जाएगा? बना दे, दिखा देना इसको, कर लोगे? ठीक है, या तो फिर इसको बड़ा वाला ले लेना, ये छोटा वाला ले लेना, यहाँ से भी बन जाएगा। मतलब दो तुम्हें देखना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा बस, ठीक है ना? क्लियर, चलो बढ़िया, आगे बढ़े हैं अब। तो मिरर फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? लीनियर, इसको हटा दूं मैं, आगे बढ़े ना। लीनियर मैग्नीफिकेशन हेडिंग करो जो आज से पढ़ना है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर लीनियर मैग्नीफिकेशन
लीनियर मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा एच आई अपॉन एच ओ, या लिखा जाएगा इसको आई अपॉन ओ, या इसी को मिरर के फॉर्म में लिखते हैं माइनस के वी अपॉन यू, माइनस के वी अपॉन क्या लिखा जाता है दोस्त, यू, ये लिख लो फॉर्मूला। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई अपॉन क्या है, एच ओ है, आई अपॉन ओ या माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, ये तीन है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, नोट करो, नोट कर जल्दी, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहा है भाई, जीरो लोग, ठीक है नोट करो, ठीक है। M के लिए केसेस ये जानते ही होंगे, M का साइन, साइन के रिस्पेक्ट में पहले देख लेते हैं, M की वैल्यू के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं, जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब देखो M का साइन और M की वैल्यू, M का जो होगा, M जो है हमारी वैल्यू लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसको दो तरीके से आपको देखना है, एक तो इसके साइन के रिस्पेक्ट में देखना है, एक तो इसकी वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखना है। जब हम इसको इसके साइन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा, देख, जब इसको इसके साइन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जब हम एम की वैल्यू की बिहाफ पे देख रहे हैं कि हमें क्या रिजल्ट देगा या क्या मैसेज देगा, तो यहां से दोनों का अलग अलग है मैसेज, ठीक है, खेल रहे हो क्या, देखो अब यहां समझो, साइन क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, और कौन सा साइन हो सकता है भैया, कुछ नहीं, या तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, या तो साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। अगर साइन आपका पॉजिटिव होगा ना, तो जो इमेज होगा, इमेज हमारी कैसे होगी, इमेज हमारी कैसे होगी, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, इस केस में जब पॉजिटिव होगा तब इरेक्टेड होगा और वर्चुअल होगा, क्या होगा, अपराइट, इरेक्टेड होगा सीधा इमेज होगा और वर्चुअल होगा, क्या होगा, लिख लो। तो इस केस में बनेगा तुम्हारा इमेज इरेक्टेड, बोलते हैं इसको, या इसी को बोलेंगे अपराइट, मतलब एकदम खड़ा खड़ा सीधा मिलेगा, समझ गए, और वर्चुअल मिलेगा, कैसे मिलेगा, वर्चुअल, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया तो इमेज कैसी होगी हमारी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी एंड क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड एंड क्या होगी, तो साइन अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, ये इरेक्टेड हो गया, अपराइट होगा और वर्चुअल होगा, साइन अगर आपका क्या हुआ, नेगेटिव आया तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, रियल होगा। साइन के कॉन्टेक्स्ट में इसको इस तरह से अपने को देखना है, और वैल्यू के विहाव पे इसकी क्या देखेंगे, एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जरा देखो, दो नंबर का ये रेशियो है, जब एम दो नंबर का रेशियो है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो या तो क्या होगा, या तो रे वन आ जाए, या तो लेस देन वन आएगा, या तो क्या आएगा, ग्रेटर देन वन, तीन सिचुएशन बनेगी ना, एम की वैल्यू के विहाव पे देखेंगे तो यहाँ तीन सिचुएशन बन रही है, या तो क्या होगा ये, बोलो दोस्त, हाँ, या तो, अब यहां देखो तीनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं, जब एम की वैल्यू क्या हो, वन हो, जब एम की वैल्यू क्या है, लेस देन वन हो, जब एम की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन, तीन केसेस हमने ले लिए, यही तीन बनेंगे भाई, या तो रेशियो वन आ सकता है, या तो लेस देन वन आएगा, या तो क्या आएगा, ग्रेटर देन, एम के लेस देन वन आने का मतलब क्या है, यहां पर वी अपॉन यू है, लेस देन वन का मतलब यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा होगी, इमेज डिस्टेंस कम होगी, ज्यादा आने का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगी, या हाइट के बिहाफ पे देखेंगे तो अगर ये लेस देन वन आ रहा है तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, इमेज की हाइट छोटी है, ग्रेटर देन वन होगा तो इसका मतलब क्या है, इमेज की हाइट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, कम है, इक्वल टू वन आ गया तो इसका मतलब दोनों की हाइट क्या है, सेम है,
तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या है, सेम साइज बनेगा। साइज कैसे बनेगी इमेज की, सेम साइज होगी इमेज की साइज। इस केस में क्या है देखो, एच आई अपॉन एच ओ है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये लेस देन वन तब आएगा जब क्या होगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होगी, इमेज की हाइट क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, मतलब इमेज छोटी बनेगी। कैसी इमेज होगी ये, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज। और इस केस में क्या हो रहा है देखो, एच आई अपॉन एच ओ है, इमेज की हाइट ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी, तभी तो रेशियो ग्रेटर देन वन आएगा, जिसको कहेंगे इनलार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज। क्या कहेंगे, इनलार्ज या फिर क्या बोलेंगे, या फिर मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। बात समझ में आई है, समझ में आए कैसे है, ठीक, नोट करो। एक तो हम इसको साइन के बिहाफ पे देख सकते हैं, एक तो हम इसकी वैल्यू के बिहाफ पे देख सकते हैं, दो तरीके से इसको समझेंगे। कोई टेंशन, कोई तनाव वाली बात हो किसी को तो बता सकता है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े दोस्त, यहां तक सबको समझ में आ गया ना, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़े भैया, आगे बढ़ा जाए। चलो बढ़िया, अब देखो जरा नेक्स्ट, अब रिलेशंस की बात करेंगे हम। देखो ये ध्यान रखना, रिलेशंस एमंग या रिलेशनशिप एमंग, एक दो तीन से ज्यादा होगा ना, एमंग एमंग एफ, एफ क्या है, फोकल लेंथ, यू वी क्या है, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है इमेज डिस्टेंस, एंड एम एंड व्हाट एम, इन सब में क्या रिलेशंस होंगे ये ध्यान रखना है अपने को। अब रिलेशनशिप एमंग एफ यू वी एंड व्हाट एम, अब मैं सीधे लिख दे रहा हूं, सबको एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या है जरा देखिए इसको, एम इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, एच आई अपॉन एच ओ, या तो हम क्या पढ़ें, आई अपॉन क्या लिख लेंगे इसको ओ, या तो इसको क्या लिखेंगे माइनस के वी अपॉन, या फिर इसको क्या लिखेंगे एफ माइनस वी अपॉन, क्या होगा ये एफ होगा, या तो क्या होगा ये एफ अपॉन एफ माइनस यू होगा, यहां एफ माइनस वी अपॉन एफ होगा, यहां एफ अपॉन एफ माइनस यू होगा, ठीक है भैया, v ऊपर जाएगा, u वाला क्या जाएगा नीचे जाएगा, ये रिलेशन से ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त, ओके। ये तीनों में रिलेशन, तो एच आई अपॉन एच ओ, आई अपॉन ओ, माइनस वी अपॉन यू है ये, f माइनस वी अपॉन क्या है f है, ये क्या होगा f अपॉन f माइनस यू होगा। बस साइन कन्वेंशन आपको याद रह जाए, ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन कन्वेंशन का एक बार फटाफट बता देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ओके। साइन कन्वेंशन का भी लगे हाथ बता दें, आपको बता दें साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन तुम्हें याद है पहले से, लेकिन बस एक मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, मेजरली होगा क्या, मोस्टली होगा क्या, एक दो एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के बाकी मोस्टली क्या होगा, हम एक तरफ लिख देते हैं क्या तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में तुम देखती थी इमेजेस हमेशा क्या होती थी, मिरर के उस साइड बनती थी, याद है, क्लियर है तुम्हें। एक क्या है तुम्हारा, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दोनों ले लिया हमने, अब इनके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं भाई, देखो क्या है कैसे है, ठीक है दोस्त, बात किया जाए। देखो जरा यू वी एफ की हम बात करेंगे, यू वी एफ का मतलब क्या है तुम्हें पता है ना, इस केस में यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी का मतलब क्या है इमेज डिस्टेंस, एफ का मतलब क्या है, यहां भी यू वी एफ की बात करेंगे, बस यही मेन है U, V एंड क्या है F है फार्मूला, बाकी लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर फार्मूला सब वही है, U, V, F की वैल्यू कब कैसे लेनी है ध्यान रखना है, साइन ध्यान रखना है अपने को। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की,
तो यू तो इसके लिए भी नेगेटिव होगा और इसके लिए भी क्या होगा, नेगेटिव होने का मतलब ये मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में हम रख रहे हैं, ये हमेशा क्या है मिरर के, इसलिए नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वी भी आपका पॉजिटिव आएगा और एफ भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन में कभी बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर तो वी और एफ को हमेशा क्या लेना है अपने को पॉजिटिव। वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, एफ का मतलब फोकल लेंथ, यू का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर की बात आ गई तो वो केवल वैल्यू देगा कि 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम जब वैल्यू लिखेंगे ना तो साइन को ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर तो माइनस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस होगा तो प्लस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, समझ गए मेरी बात। और यही अगर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे होते तो कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो वी क्या होगा हमारा, उसमें तो सब कुछ लेफ्ट में ही बनता था, ये भी नेगेटिव आएगा दोस्त और ये भी क्या आएगा, बस इतना से समझ रहा है। कॉन्केव मिरर अगर बोल दिया गया क्वेश्चन में, कॉन्केव मिरर बोल दिया अगर क्वेश्चन में तो क्या करना है अपने को, ये सारी चीजें लिख लेनी है। समझ में आ गई बात, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे, कर लेंगे इसको आसानी से, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।